नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादले भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। संगीत कला और साधना का संगम है। हिंदी सिनेमा को अनेक संगीतकारों ने अपने संगीत की धुनों से सजाया है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध संगीतकारों ने तो संगीत की दुनिया में इस कदर नाम रोशन किया कि उनके ना रहने पर भी हिंदी सिने प्रेमियों के दिलों में उनके गीत आज भी जीवित हैं। हिंदी सिनेमा के संगीत जगत में अपनी धुनों के जादू से श्रोताओं को मदहोश करने वाले कुछ संगीतकार जोड़ियां भी लोकप्रिय रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री की पहली संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम थे और इनके बाद आए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, जो हुसनलाल और भगतराम के ही शिष्य थे। ये आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके गीत संगीत प्रेमियों के बीच आज भी ताजा तरीन हैं। इनके बाद संगीतकारों की कई जोड़ियां आईं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाया है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन्हीं संगीतकार जोड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने संगीत को नया आयाम दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है कल्याण जी आनंद जी का। कस्में वादे प्यार वफा, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसे ही कई गानों से प्रसिद्ध संगीतकार बने कल्याण जी और आनंद जी। संगीतकार बनने की चाह कल्याण जी को मुंबई खींच लाई। कुछ वक्त बीतने के बाद उन्होंने अपने भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया। शुरुआती दौर में संघर्ष के बाद दोनों भाई फिल्म जगत के बड़े नाम बन गए। दोनों भाइयों की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई वर्षों तक अपना दबदबा बनाए रखा। कल्याण जी आनंद जी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 250 के आसपास फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा। इन दोनों भाइयों की आखिरी फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध थी। मुकद्दर का सिकंदर, उपकार, जंजीर, कुर्बानी, पूरब पश्चिम आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में रहीं। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, इन दोनों नामों से मिलकर बनी यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी मानी जाती है। इन्हें बॉलीवुड में संगीत का जादूगर भी कहा जाता था। 80 के दशक में इनकी जोड़ी इतनी मशहूर हुई कि इनका मुकाबला कर पाना किसी अन्य संगीतकार के लिए आसान ना था। तकरीबन 635 फिल्मों में संगीत दे चुकी इस जोड़ी ने अपने समय के लगभग सभी प्रसिद्ध निर्माताओं के साथ काम किया। फिल्म कर्ज के लिए इस जोड़ी को लगातार चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद यह जोड़ी टूट गई। राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, तू मेरा हीरो मैं तेरी दिलबर, सावन का महीना, पवन करे शोर आदि इनके संगीतबद्ध किए गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इन सब के अलावा महबूब की मेहंदी, अमर अकबर एंथनी, सत्यम शिवम सुंदरम, राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्मों में इनके ही गाने बजे और उन गानों ने आम लोगों को झुमा डाला। आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है शंकर जयकिशन का। भारतीय फिल्म जगत में SJ के नाम से मशहूर शंकर जयकिशन की जोड़ी भी फिल्म जगत की कामयाब संगीतकार जोड़ियों में से एक है। अपने समय में इस जोड़ी ने दर्शकों के दिल पर राज किया। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आया जब किसी कारणवश इस जोड़ी को अलग होना पड़ा था। बाद में गायक मोहम्मद रफ़ी के प्रयास के बाद इन दोनों में सुलह की खबरें भी आईं। अपने करियर के दौरान इस जोड़ी ने 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। मेरा जूता है जापानी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, बोल राधा बोल, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना आदि इस जोड़ी के प्रसिद्ध गाने हैं जिन्होंने सुर्खियाँ बटोरी। हरियाली और रास्ता, श्री 420, दीवाना, सन्यासी इनकी सुपरहिट फिल्मों में से कुछ हैं। और अब इस लिस्ट में नाम आता है भारतीय सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम का। हुसनलाल भगतराम की जोड़ी भारतीय सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी थी। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी को तैयार करने में इस जोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि जिस दौर में रफ़ी साहब अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे, उस समय इस जोड़ी ने ही उन्हें ब्रेक दिया था। इस जोड़ी ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में आई फिल्म चांद से की थी। इस फिल्म का गाना दो दिलों की ये दुनिया ने दर्शकों के दिल में इनके लिए अपनी जगह बनाई। इसके बाद 1948 में आई फिल्म प्यार की जीत इनकी ज़िंदगी में नया मोड़ लेकर आई। इसका गाना एक दिल के टुकड़े हजार हुए इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर तरफ इस जोड़ी की ही चर्चा होने लगी। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है नदीम श्रवण का। 90 के दशक में आई एक फिल्म आशिकी का गाना मैं दुनिया भुला दूंगा तो आपको याद ही होगा, इस गाने को नदीम श्रवण की जोड़ी ने संगीतमय किया था।
फिल्म के गानों का ही जादू था कि उस समय की यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। बताते चलें कि इस प्रसिद्ध संगीत जोड़ी ने 1973 में पहली बार एक दूसरे के संपर्क में आकर काम किया था। इनका शुरुआती दौर अच्छा नहीं था, बावजूद इसके कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति इनकी दीवानगी ने इन्हें फिल्म जगत संगीत का बड़ा नाम बना दिया और उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। लेकिन 1997 में नदीम के ऊपर टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप के चलते यह जोड़ी टूट गई। इस जोड़ी ने साजन, सड़क, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, फूल और कांटे, दिलवाले जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में अपना संगीत दिया। और हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है जतिन ललित का। 1991 में आई फिल्म यारा दिलदारा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जतिन ललित ने उस समय बॉलीवुड में कदम रखा था जब नदीम श्रवण जैसे संगीतकार का बॉलीवुड में दबदबा था। ऐसे में जतिन ललित के लिए यह राह आसान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह आगे बढ़े और जो जीता वही सिकंदर का गाना पहला नशा पहला खुमार ने इस जोड़ी को स्टार बना दिया। 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस गाने ने जतिन ललित की जोड़ी को बॉलीवुड का दुलारा बना दिया। हालांकि यह जोड़ी अब साथ नहीं है, जतिन के अमेरिका में बस जाने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कुछ कुछ होता है, सरफरोश, यस बॉस, वास्तव, फना, मोहब्बतें इस जोड़ी की कुछ सुपरहिट फिल्में रहीं। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर का। विशाल दादलानी और शेखर रवजियानी, इन दोनों नामों से बनी यह जोड़ी बॉलीवुड की मशहूर संगीत जोड़ियों में से एक है। झनकार बीट्स के तू आशिकी है गाने से प्रसिद्ध हुई इस जोड़ी ने बॉलीवुड को साल 2005 में सलाम नमस्ते, दस और ब्लफ मास्टर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपना संगीत दिया। इनके संगीत ने पर्दे पर धमाल मचा दिया। इसके बाद इनकी जोड़ी ने ओम शांति ओम, तारा रमपम, टशन, दोस्ताना, आई हेट लव स्टोरीज, अनजाना अनजानी और ब्रेक के बाद आदि हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि यह जोड़ी संगीत देने के साथ साथ गायकी के क्षेत्र में भी काम करती है। यह जोड़ी प्रसिद्ध स्टार खोज शो सारेगामा पा चैलेंज 2007 म्यूजिकल टैलेंट शो में जज की भी भूमिका निभा चुकी है। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है सलीम सुलेमान का। पिछले 10 साल से बॉलीवुड में अपने संगीत के जादू से सबको दीवाना बनाने वाले सलीम और सुलेमान आज बॉलीवुड की सबसे फेमस संगीतकारों में से एक हैं। फिल्म चक दे इंडिया के शीर्षक गीत से यह जोड़ी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। सलीम और सुलेमान दोनों ही सगे भाई हैं। संगीत के अलावा गायकी में भी यह जोड़ी अव्वल मानी जाती है। इस जोड़ी ने कई भारतीय पॉप बैंड के लिए भी अपना संगीत दिया है, जिसमें वीवा, आसमा, श्वेता शेट्टी, जैस्मीन और स्टाइल भाई प्रमुख हैं। इस जोड़ी को 2007 में जवानी दीवानी के लिए श्रेष्ठ पार्श्व संगीत का भी पुरस्कार मिल चुका है। कांची, भूतनाथ रिटर्न्स, क्रिश 3 हीरोइन, बैंड बाजा बारात इस जोड़ी की कुछ हिट फिल्में हैं। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है आनंद मिलिंद का। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, यह गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसने खूब धूम मचाई थी। यह वही फिल्म थी जिसने आनंद मिलिंद को बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। अपने शुरू के दिनों में यह संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शिष्य रही। आनंद और मिलिंद मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त के बेटे हैं। शुरू के दिनों में इन्हें अपनी पहचान बनाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इस जोड़ी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्म देकर खुद को प्रमाणित किया। कोयल सी तेरी बोली और बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है इन जोड़ी के सबसे मशहूर गानों में से एक हैं। यह तो महज कुछ ही जोड़ियां थीं जिन्होंने अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन किया। फिल्म जगत में ऐसी और कई जोड़ियां हैं जो अपने खास संगीत के लिए जानी जाती हैं, जिनमें से एक जोड़ी थी साजिद और वाजिद की, जो कि अब नहीं है, और एक जोड़ी है हाल ही में काम करने वाले युवा संगीतकार मीट ब्रोस की। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन संगीतकारों का हिंदी सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी ही कुछ और जोड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई कहानी, नई जानकारी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।